हे गाइस, वेलकम बैक टू द रोश। तो आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2022 के बारे में। आज के टाइम इसके रिलेटेड बहुत ही मिक्स रिएक्शंस है। जो अंधभक्त हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं, और जो दिमाग वाले हैं उनके लिए ठीक भी हैं और ठीक नहीं भी हैं। अगर आप ऑनलाइन देखो तो ज्यादातर लोग खुश नहीं है इस बजट को लेकर, क्योंकि मिडिल क्लास को कुछ मिला ही नहीं। आप सोशल साइट्स विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे। मिडिल क्लास लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर भी 30% टैक्स लगा दिया है, जिसका मतलब है कि जो भी प्रॉफिट होगा लोगों का क्रिप्टो करेंसी से, सरकार उसका 30% प्लस 1% TDS लूट लेगी ले लेगी। अब बहुत कुछ और भी है इस बजट में जो आगे हम डिस्कस करेंगे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने चार पिलर अनाउंस किए हैं। फर्स्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मींस सबका विकास इकट्ठा हो। सेकंड इज प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, मींस कंट्री का डेवलपमेंट बढ़े। थर्ड इज एनर्जी ट्रांजिशन एंड फोर्थ इज क्लाइमेट एक्शन, जिन्हें ऐड किया गया है। और कोशिश की जा रही है कि देश एक तेज रेट से ग्रोथ करे। गवर्नमेंट 9.2% की ग्रोथ रेट चाहती है जो इंडिया अचीव करे। तो इन सब के लिए बहुत सा पैसा खर्चना होगा, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी तैयार है। 39.5 लाख करोड़ रुपीज का खर्चा होगा, ये एस्टिमेट किया जा रहा है। इंटरनेशनली भी आप देखोगे तो कहा जा रहा है $500 बिलियन का बजट, बट ये 500 से ज्यादा है, 527 के आसपास। गवर्नमेंट कह रही है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। फिलहाल मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए कोई भी स्कीम नहीं है। जैसे कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और डेवलपमेंट रुक गई, तो उन सबको कवर करने के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो इतना पैसा सरकार के पास नहीं है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट यहां पर खड़ा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट मतलब अगर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क हो तो फिस्कल डेफिसिट मिल जाता है। तो यहाँ 6.4 फिस्कल डेफिसिट मिलेगा। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर को देखें तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा 5 या 5 से नीचे रहा है, बट कोरोना की वजह से फिस्कल डेफिसिट की एवरेज खराब हो गई, और अब पूरी कोशिश है कि फिस्कल डेफिसिट को दोबारा से कंट्रोल किया जाए। जो ये खर्चा करेगी गवर्नमेंट 39.5 लाख करोड़ रुपीज का, इसके कंपैरिजन में जो टोटल रिसीट्स हैं, लाइक टैक्स से पैसा या कहीं से पैसा आया और कंपनीज ने जो अर्न करके दिया गवर्नमेंट को, वो सब अगर जोड़ दिया जाए तो अप्रोक्स 23 लाख करोड़ रुपीस का अमाउंट बनता है। बाकी जो अमाउंट है 15 लाख करोड़ रुपीस का, इसके लिए गवर्नमेंट उधार उठाएगी, बॉन्ड्स इशू करेगी। अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट इतना सारा पैसा है वो कैसे और कहां कहां यूज करेगी। तो 10.68 लाख करोड़ रुपीस का जो अमाउंट है वो यूज होगा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब गवर्नमेंट खर्चती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लाइक बिल्डिंग्स पर, हॉस्पिटल पर, रोड्स पर। तो आप कई जगह देख सकते हैं कि गवर्नमेंट 7.5 लाख करोड़ रुपीस यूज कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लेकिन जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये 10.68 लाख करोड़ रुपीस का होगा, जो कह सकते हैं 4.1% है इंडिया टोटल GDP। इसके साथ ये भी अनाउंसमेंट हुई है, केंद्र सरकार ने बोला है कि जो भी हमारे राज्य में है उनको अब पैसों की कमी पड़ेगी। जैसे कि कोरोना में बहुत खर्चा हुआ है तो उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपीस सबके लिए रख दिए गए हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे स्टेट में, और ये लोन वापस करना है 50 साल में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा आया कहां से। देखिए, चाहे गवर्नमेंट पैसे कहीं से उधार ले या ना ले, लेकिन जब गवर्नमेंट 1 रुपया खर्चती है उसमें से 58 पैसा टैक्स से आता है। अब टैक्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिया। अब गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च तो रही है, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कोरोना की वजह से गवर्नमेंट कुछ तो टैक्स कम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर देखे तो गवर्नमेंट को जब 1 रुपया मिलता है उसका जो 35% है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स से आता है। लेकिन मिडिल क्लास लोगों को ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, अब क्या ही कर सकते हैं। अभी के लिए अगर देखा जाए तो सिचुएशन ऐसी है कि जिस पर्सन की इनकम 2.5 लाख तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं भरना। अगर 2.5 से 5 लाख तक इनकम है तो 5% टैक्स देना होगा, और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे ही गवर्नमेंट की भूख भी बढ़ी, सॉरी, वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। 5, 10, 15, 20% तक टैक्स बढ़ता रहेगा। और इन सब के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में ये कहा, सॉरी, मतलब ये बहुत बढ़िया तरीका है, आप बस सॉरी बोल दो। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अभी गवर्नमेंट उस कंडीशन में नहीं है कि कुछ कर पाए, और गवर्नमेंट खुद कई बॉन्ड्स उठाएगी, लेकिन ये भी कहा कि टैक्स बढ़े भी तो नहीं है। Oh my God! Wow!
अगर टैक्स नहीं बढ़ा तो एक और चीज है जो यहाँ सामने आती है, वो है क्रिप्टो करेंसी। अब चाहे मिडिल क्लास हो चाहे हाई क्लास हो, सबको क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट बहुत मिला है। और अब ये देखते गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगा दिया, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसका 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बाद एक बात है जो बहुत लोगों ने गौर नहीं करी कि अब क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल हो गई है। पहले लोगों को शक था कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, लेकिन जब गवर्नमेंट खुद 30% मांग रही है तो समझ जाओ कि लीगल ही है। कुछ बड़ी कंपनीज ने ये भी कहा है कि एक अच्छी न्यूज है, गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा के इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है। इसके अलावा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, उनको टैक्स डिडक्शन लिमिट में इंक्रीज दिया गया है, 10% से अब 14% कर दिया है। इससे बेनिफिट उनको होगा जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है और टैक्स से बचने के लिए PPF में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से 7% तक कर दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिफेंस में एलोकेट किए हैं टोटल 5.25 लाख करोड़ रुपीज, दैट मींस 13.3% डिफेंस में यूज होगा और लास्ट ईयर से 9.8% इंक्रीज हुआ है। और अगर आप पेंशन वाले अमाउंट को हटा दें जो है 1.19 लाख करोड़ रुपीस, तो बजट क्लियरली बनता है 4,570 करोड़ रुपीस का, जो कि ठीक ठाक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो कैपिटल बजट है, मतलब बजट का पार्ट जिससे मशीनरी परचेज की जाती है, वेपन्स परचेज किए जाते हैं, उसका 68% एलोकेट किया जाएगा इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए। उसके अलावा ये भी कहा है कि 25% रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स का जाएगा प्राइवेट कंपनीज को, स्टार्टअप्स को और एकेडमिया को। अब अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो गवर्नमेंट ने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं। बॉन्ड्स मींस गवर्नमेंट कर्ज लेती है बॉन्ड्स के थ्रू। गवर्नमेंट कहती है कि हमें पैसा चाहिए, हमसे इंटरेस्ट लो और पैसा दो, इसे कहते हैं बॉन्ड। अब ग्रीन बॉन्ड स्पेसिफिकली ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए लाइक सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और विंड मिल, उसके लिए गवर्नमेंट इशू करेगी ग्रीन बॉन्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट परिवेश पोर्टल, जो कि एक पोर्टल है ट्रैक करता है एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लियरिंग वगैरह, इसको भी एक्सपेंड करेगी। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर का भी अनाउंसमेंट किया है, केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट 44,605 करोड़ रुपीस का, जिससे 9 लाख फार्मर्स को बेनिफिट होगा। इससे ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा 62 लाख लोगों को, पावर जनरेट कर पाएंगे 103 मेगावाट की और सोलर पावर भी 27 मेगावाट की। इसके बाद बॉर्डर विलेजेस बनाए जाएंगे, जो विलेजेस सुनसान पड़े हैं बॉर्डर पर, वहां कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी और रीपॉपुलेट की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है न्यू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसके बाद पर्वतमाला प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान होगा जिसमें 8 रोपवे प्रोजेक्ट 60 किलोमीटर के बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ गिफ्ट सिटी की भी बात की गई है, जो कि गुजरात में बन रही है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल एंड आईटी हब होगा। तो आपके इस बजट को लेकर क्या व्यूज है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।